देखिए आज का एनकाउंटर बहुत एक कामयाब ऑपरेशन रहा है, जिसमें दो इस तरह के दहशतगर्द मारे गए जो लंबे अरसे से इलाका में एक्टिव थे और बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। कौन था उस पार्टी? जासिर परे जो 2019 में दहशतगर्द बना था, फौज के खिलाफ एक आईडी लगाई गई थी जिसमें फौज के दो जवान शहीद हुए थे और कुछ लोग जख्मी हुए थे। उसके बाद भी ये जैश मोहम्मद का आईडी का एक्सपर्ट माना जाता था। इसके अलावा जो इसके साथ पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया जैश का कमांडर था, वो काफ़ी अरसा पहले बांडीपुर गुरेज के रास्ते से क्रॉस करके पाकिस्तान से आया था, जहाँ पर फुरकान अलियास अली भाई के नाम से जाना जाता था। उसकी भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शमूलियत थी। ये दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी और जहाँ का लोकल जासिर परे काफ़ी लंबे अरसे से एक साथ मिलके काम कर रहे थे और एक दर्जन से ज़्यादा FIR इनके ऊपर लगे हुए थे, जो अलग अलग जगहों पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से वाबस्ता थे। मैं समझता हूँ कि जो सिविलियन लोग जो इनकी कार्रवाइयों का शिकार हुए, जो लोग इनका टारगेट बने, वो आज राहत की सांस लेंगे कि ये दो दहशतगर्द जो लोगों के लिए जलाद की तरह थे, लोगों के लिए मौत का पैगाम लेके आते थे, लोगों को जानो माल का नुकसान पहुंचाते थे, इससे लोगों को नजात मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस ने और फोर्सेस ने अंजाम दिया, किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। मैं इसके साथ ये भी कह दूं कि अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरीके से बहुत अच्छे से बिहेव किया, अवाम को भी इस बात की शाबाशी है। नहीं तो कई बार ऐसे ऑपरेशन में अगर अवाम फालतू की दखलंदाजी, अनलॉफुल दखलंदाजी करते हैं, तो साथ मिलिटेंट के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है उसके साथ ऐसे सिविलियन भी कार्रवाई की जद में आते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, पुलिस के साथ फोर्सेस के साथ ताउन किया, और मैं पुलिस और फोर्सेस को अच्छे कामयाब ऑपरेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कश्मीर में पहली तो बात ये कि लोग बाई एंड लार्ज बहुत हद तक कोऑपरेटिव हैं, लोग पुलिस और फोर्सेस को हर खत्ते में ताउन देते हैं। साउथ कश्मीर में किसी तरह की कोई लैंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, इसके लिए पुलिस को, फोर्सेस को और लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जहाँ पर जो चिंता